हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कूल फेलो क्लासेस। एक्सरसाइज 14.3 से क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ड्रॉ एंगल पी ओ क्यू 64 डिग्री, आल्सो ड्रॉ इट्स लाइन ऑफ सिमेट्री। हमें एक एंगल ड्रॉ करना है पी क्यू 64 डिग्री का, और उसका हमें एक लाइन ऑफ सिमेट्री भी ड्रॉ करनी है। अब लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होता है? लाइन ऑफ सिमेट्री जब बनती है, जब उसके सेंटर से कोई भी लाइन गुजरती है तो उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री होता है। तो इसका मतलब क्या है, हमें जो एंगल बनाएंगे 64 डिग्री का, उसको हम बाइसेक्ट कर देंगे तो वो उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक एंगल ड्रॉ करेंगे 64 डिग्री का। एंगल बनाने के लिए सबसे पहले एक रे ड्रॉ करेंगे। ये रे बना ली मैंने। हमें क्या एंगल बनाना है, पी ओ क्यू, यानी जो ओ होगा वो होगा हमारा वर्टेक्स, और पी और इधर जो आएगा उसका नाम दे देंगे हम क्यू। तो अब हमें एंगल बनाना 64 डिग्री का। तो डी को कैसे रखेंगे, यानी प्रोटेक्टर को, प्रोटेक्टर को इस लाइन के बिल्कुल, ये जो ऊपर ब्लैक लाइन दिखती है इसके ऊपर बिल्कुल ओवरलैप कर देंगे, और ये जो इसकी लाइन है बीच वाली, ये इस पॉइंट पे आनी चाहिए, ठीक है, यानी हमारे वर्टेक्स पे आनी चाहिए। अभी ये बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही मेरे को नीचे वाली लाइन, आपको बिल्कुल ध्यान रखना इसका। और 64 का बनाना है तो जीरो नीचे है तो नीचे से काउंट करेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, और इसके बाद चार छोटी लाइनें 1, 2, 3, 4, ये हो गया 4। इसको यहाँ पॉइंट लगा दो, प्रोटेक्टर को हटा दो, और इसको हमारे वर्टेक्स से हमें कर देना ज्वाइन, ठीक है। ये ज्वाइन कर दिया, ये हमारा बन गया 64 डिग्री का ये पूरा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है इसको बाइसेक्ट। किस लिए, हमें लाइन ऑफ सिमेट्री चाहिए इसलिए। तो कंपस लेंगे, कंपस को ओपे रखेंगे और अपनी मर्जी से कंपस को ओपन कर लेंगे, ना ज्यादा और ना ही बिल्कुल कम, ठीक है, मीडियम सा ओपन करके। और एक हम आर्क लगा देंगे, एक आर्क लगा दी। अब ये जो आर्क लगी है इसका नाम भी आप दे सकते हैं, मैं इसका नाम ए और बी दे रही हूँ, ठीक है। अब बी पे रखेंगे, या आप चाहे तो ए पे भी रख सकते हैं। बी पे रखेंगे कंपास को, और ये जो आर्क लगाई है इसका जैसे हाफ यहाँ है, तो हाफ से ज्यादा हमें ओपन करना है, हाफ से ज्यादा ओपन करके हमें एक आर्क ऐसे लगानी है। अब हमें ए पॉइंट पे रखना है, ए पे रख के और एक और आर्क लगा देनी है, ठीक है, आर्क लग गई। अब ये जो आर्क का इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया है, इस पॉइंट को हमें ज्वाइन करना है हमारे वर्टेक्स ओ से, ओ से इसको ज्वाइन कर दिया, ये का नाम दे देंगे हम ई। हमारी ओ और ई है, यही हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो क्या लिखेंगे, ओ ई इज द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ एंगल पी ओ क्यू, जो कि 64 डिग्री का है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ड्रॉ ए राइट एंगल एंड कंस्ट्रक्ट इट बाइसेक्टर। हमें 90 डिग्री का राइट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल, राइट। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे एक रे ड्रॉ। रे ड्रॉ कर ली, नाम इसमें गिवन नहीं है तो मैं इसका नाम ए दे देती हूँ और इसका बी। अब 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है तो प्रोटेक्टर लेंगे, प्रोटेक्टर को बिल्कुल इसके ऊपर ऐसे रखेंगे, नीचे वाली लाइन दिखाई नहीं देनी चाहिए, और जहाँ पे ये 90 डिग्री है वहाँ पे इसको ऐसे पुट कर देंगे पॉइंट को। अब प्रोटेक्टर को हटा देना और स्केल की हेल्प से इस वर्टेक्स को हमें ज्वाइन कर देना, ठीक है, ये हो गया हमारा 90 डिग्री का, इसका नाम मैं सीधे देती हूँ एंगल। अब हमें इसको बाइसेक्ट करना, बाइसेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, कंपास को लेंगे, ए पे रखेंगे और अपनी मर्जी से इसको ओपन करके और एक आर्क पुट कर देंगे, आर्क लगा दी। अब इसका नाम दे देते हैं पी और इसका मैंने क्यू दे दिया। क्यू पे रखेंगे और एक आर्क इसके, पहले क्यू पे रख के इसके हाफ से ज्यादा ओपन करेंगे कंपास को, इस आर्क के हाफ से ज्यादा। बाइसेक्टर ऐसे ही होता है, कभी भी आपको बाइसेक्ट करना हो किसी भी एंगल को, पहले ये पहले एंगल ड्रॉ करें,
फिर एक अपनी मर्जी से कंपास को ओपन करके एक आर्क लगाएं, फिर आर्क के हाफ से ज्यादा कंपास को ओपन करना है और एक आर्क लगा देनी है इस पॉइंट पे रख के। अब दूसरी आर्क दूसरे पॉइंट पे रख के लगा देना, सेटिंग को हिलाना नहीं है। लग गई। अब ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया, इसको हमें कर देना हेल्प की रूलर की हेल्प से ज्वाइन एसी। ठीक है, ये हो गया। ये इसका आप नाम दे सकते हो ए बी सी, इसका नाम डी क्यू दे देती हूँ। ठीक है, तो अब देखो ये जो पूरा एंगल था राइट एंगल हमारा 90 डिग्री का था। ठीक है, लेकिन जो ये एंगल आया ये 45 डिग्री का आ गया, और जो ये है ये भी 45 का, यानी इसके इसको हमने बाइसेक्ट कर दिया है। तो बाइसेक्ट करने पे टू इक्वल पार्ट्स हो गए इसके, 45 का इधर 45 का इधर। ठीक है, और पूरा था ये एंगल 90 डिग्री का, राइट एंगल होता है 90 डिग्री का। तो हम क्या लिखेंगे, क्यू ए इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी या सी ए बी, क्योंकि ये जो वर्टेक्स होता है ये हमेशा बीच में आना चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब इसके दो क्वेश्चन बच गए, वो दोनों क्वेश्चन हम एक वीडियो में कवर कर लेंगे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।